बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। डियर व्यूवर्स, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा जब मैं एबटाबाद गया तो वहाँ पे मेरा सेशन था। तो सेशन कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा रश थी, और उस रश में मैंने नोट किया कि एक बच्चा है जो कि मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उसको छोड़ नहीं रहे। तो मैंने उनको बताया कि छोड़ दो, बच्चा है, कोई सवाल पूछना चाहेगा। तो बच्चा जब मेरे पास आया और उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि हमाद भाई, मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ और मैं तालीम हासिल करके अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं समझा ये कोई नॉर्मल बच्चा होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आते हैं मुझसे यही सवाल पूछते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। तो मैंने इसको अपना नंबर दिया और मैंने इसको बताया कि इंशाल्लाह फिर हम बाद में मुलाकात करेंगे। तो 3 घंटे बाद जब मैंने इसको इन्वाइट किया और हमने डिस्कशन की, तो मुझे पता चला कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि इसने ऑलरेडी 7 साल की उम्र में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हुआ है। ये एबटाबाद रीजन का फास्टेस्ट बॉलर है, 7 साल की उम्र में बना। और इसके हवाले से पाकिस्तान भर में जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं उसने इसके हौसला अफजाई के लिए इस पर ट्वीट्स किए, और बल्कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने इस पर पैकेजेस भी बनाई हैं। तो जब फिर मैंने इसका फैमिली बैकग्राउंड देखा तो मुझे पता चला कि इसके एक बड़े भाई हैं जो कि इसको इसकी फील्ड में सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके जो वालिद साहब हैं माशाल्लाह बहुत ही दीनदार शख्सियत हैं और एक मस्जिद के इमाम हैं। तो जब मैं इनके वालिद साहब से मिला तो मैंने उनको यही बात की कि मैं इसको सुपर किड प्रोग्राम में इसका हिस्सा बनाना चाहता हूँ, और इसकी जो कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ है, लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ हैं और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, हम इसके ऊपर भी काम करना चाहते हैं। क्योंकि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, फुटबॉलर बनना चाहते हो, स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो, एथलीट बनना चाहते हो, एक गेमर बनना चाहते हो, बेशक बनो, लेकिन उसके साथ तालीम हासिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो कम्युनिकेशन एथिक्स है उस पर कमांड हासिल करना, कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर कमांड हासिल करना भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मेरे साथ मौजूद है एहसानुल्लाह इसहाकी, और ये पिछले 3 महीनों से मेरे साथ पढ़ रहे हैं और इसकी इम्प्रूवमेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसने इम्प्रूव किया है, और इसकी इम्प्रूवमेंट्स आज आप खुद देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एहसान, सबसे पहले मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का ख्वाब क्या है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? मेरी ज़िंदगी में ये मकसद है कि मैं एक क्रिकेटर बनूँ, एक क्रिकेटर बनने के साथ साथ एक पाकिस्तान टीम का एक कैप्टन बनूँ और पाकिस्तान टीम को दोबारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप बनूँ। माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने यहाँ में सुपर किड में आया, और यहाँ पे मेरी एक लीडरशिप की तरह मुझे पालिश किया जा रहा है, मेरी तरबियत की जा रही है कि मैं अपने टीम को कैसे दोबारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे मेरी सुपर किड में तरबियत की जा रही है। माशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह आपने बताया आप एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप कैप्टन बनना चाहते हो और दोबारा पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हो, माशाल्लाह अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाबी दिलाए। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हो, मैं आपको देखता हूँ एक्सरसाइज के दरमियान जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, समझा रहे होते हो, तो आपकी जो फिटनेस है वो बहुत ज़बरदस्त है, और आप मेहनत भी करते हो और आप थकते नहीं हो एक्सरसाइज के दरमियान या किसी काम के दरमियान, और एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हो, इसकी वजह क्या है? कि मेरा तल्लुक जो है वो कोहिस्तान से है, कोहिस्तान एक पहाड़ी इलाका है। अच्छा। पहाड़ी इलाके के लोग शुरू से बहुत सख्त होते हैं, मेहनती होते हैं, वो ये नहीं देखते कि गर्मी है कि सर्दी है, वो अपनी मेहनत जारी रखते हैं। तो इसलिए मेरा जो बचपन है वो पहाड़ी इलाकों में गुजरा, इसलिए मैं सख्त हूँ। तो मजबूत हो जी, इसलिए मैं हर काम में बहुत एक्टिव हूँ, इसलिए मैं दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हूँ, हर काम में एक्टिव रहता हूँ। माशाल्लाह। तो आप पहाड़ों पे खेलते थे? जी। आपके अपने दोस्तों के साथ खेलते थे? जी जी। चले माशाल्लाह। अच्छा, जो मेरा तीसरा सवाल है वो ये है कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, आपका मकसद है कैप्टन बनना चाहते हो, तो इस फील्ड की तरफ आपने किसने आपको अट्रैक्ट किया, किसने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड की तरफ? देखिए, जब मैं 5 साल का था तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ क्रिकेट के अंदर। तो मैं जब 5 साल का था तो मैंने अपने जो घर है उसके छत के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू किया 5 साल की उम्र से। जी, तो मैं हर रोज 1-2 आवर करता था, तो आराम आराम से मैं प्रैक्टिस करता रहा। जब मैं 6 या 6.5 साल का हुआ तो मैं ग्राउंड जाना शुरू हुआ, हफ्ते में मैं 4 दिन जाता था, उसमें मैं अपने जो मेरे जो वीकनेसेस हैं उसको मैं उनके ऊपर मैं काम करता था कि 4 दिन में जब मैं अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। जी, तो उसमें मैं मेरी जो बॉलिंग की जो मेरी गलतियां होती थी बैटिंग में फील्डिंग में, तो वो मैं करता था। फिर मुझे कोच बताते थे आपकी ये गलती, इसको इम्प्रूव करो, तो मैं उस गलती को दोबारा इम्प्रूव करता था और यही कोशिश करता था कि दोबारा मुझसे ये गलती ना हो। इस तरह बैटिंग में फील्डिंग में
इसलिए मैंने मेरी जो बैटिंग फील्डिंग और बॉलिंग है इस पे मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। पहले मैं जो एक दो ओवर कराता था उसके बाद मैंने 3-4 ओवर कराना शुरू किया। और बैटिंग में मैं पहले 5-10 मिनट नॉकिंग करता था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20-25 मिनट कर सकता हूँ। और फील्डिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, जिसे आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कह सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। देखिए एहसान की जो लाइफ है, इसने जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर की, उससे एक बहुत बड़ा सबक हमें यही मिलता है। इसने जिस तरह बात की कि जो मैं कोई काम करता था, गलती करता था, जो जो मेरे कोच थे वो मुझे समझाते थे और मैं उन गलतियों को कम करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, मतलब उनको अपनी ताकत में बनाता था। तो इसी तरीके से जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं या जो वीकनेसेस हमारे अंदर होती है, हम सबको चाहिए कि हम अपनी उन वीकनेसेस को अपनी ताकत में कन्वर्ट करें और उसको इम्प्रूव करें और उसको बेहतरी की तरफ ले जाएं। एहसान, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इस क्रिकेट की फील्ड में आपकी हौसला अफजाई किस किस ने की? देखिए, सबसे पहले जो मेरे हौसला अफजाई किया वो मेरे वालिदैन ने किए। अच्छा। उन्होंने मुझे इस काम से कभी नहीं रोका। जो दूसरे मेरे जो हौसला अफजाई की है वो मेरे भाई ने किए, उन्होंने मुझे हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे। और तीसरे, पाकिस्तान टीम के जो बड़े स्टार हैं, आकिब जावेद, वसीम अकरम, इस तरह के और बड़े स्टार हैं, उन्होंने मुझे ट्वीट के ज़रिए मेरी हौसला अफजाई की। माशाल्लाह। और जो ऐसे वो शख्स जिन्होंने प्रैक्टिकली और अमली मेरी हौसला अफजाई की, वो आप हैं, हमाद साफ़ी। आपने मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम किया, ऑब्जर्वेटरी स्किल के ऊपर काम किया, मैनर के ऊपर काम किया, आपने मेरी इंग्लिश के ऊपर काम किया। जहाँ भी मुझे कोई चीज़ नहीं आता मैं आपसे पूछता तो आप मुझे बताते, तो आपने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है। जज़ाकअल्लाह खैर। देखें, यही हमें ज़रूरत होती है। अगर बंदा, अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट होता है एक फील्ड में, तो वालिदैन को चाहिए, उसके भाई बहन को चाहिए कि उसको सपोर्ट करें और उसकी मदद करें ताकि वो उस फील्ड में आगे बढ़कर कामयाब हो सके और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। अच्छा, अब आपको आपके भाई कहते हैं इसके हवाले से बता दें, और घर से आपको सपोर्ट मिली कि नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्र 11 साल है और मेरे 5 भाई हैं। माशाल्लाह। और 5 भाइयों में से मेरा एक ऐसे भाई हैं जिन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया। अच्छा। जिन्होंने मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ बिल्ड किया, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरफ मुझे किया, मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिल्ड किया, तो वो मुझे लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के क्रिकेट के जो बड़े बड़े स्टार हैं उन्होंने मुझे देखा, मेरे ऊपर कमेंट्स किए, ट्वीट किए, इस तरह के आउट ऑफ कंट्री के जितने लोग हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जो मीडिया है उन्होंने मेरे हर दिन तकरीबन मेरे घर में आके मेरे बारे में पैकेज बनाती थी, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एहसान, जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप तालीम हासिल करना चाहते हो, तालीम हासिल करके अपने मुल्क का नाम एक फील्ड में रोशन करना चाहते हो, तो इसी तरीके से आप मुझे ये बताएं कि जो पहले वाला एहसान था उस वाले एहसान में और अभी का जो एहसान मेरे सामने बैठा हुआ है, इस वाले एहसान में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? अभी वाले एहसान में ये फ़र्क है कि उसने कंप्यूटर की दुनिया को सीख लिया है, उसने गलत और सही को सीख लिया, प्रेजेंटेशन, अपनी जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, जो इंग्लिश लैंग्वेज उसको इम्प्रूव किया। जिस तरह के जब मैं पहले घर में था, मैं डिसिप्लिन नहीं था, मेरे पास मेरा टाइम टेबल नहीं था, मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकता था, और मेरी इंग्लिश भी कमज़ोर थी, मेरे मैनर हैं वो भी सही नहीं थे, मेरे जो प्रेजेंटेशन स्किल, ऑब्जर्वेटरी स्किल वो नहीं थी, तो इधर आए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने हर काम में यही कोशिश की कि जो भी मिले अच्छी, हमेशा कोशिश करूँ कि वो अच्छी अच्छी तरह हो। बिल्कुल। अच्छा एहसान, इसके हवाले से आप मुझे बताएं कि आप क्रिकेट, आप बचपन से 5 साल की उम्र से आपके अंदर शौक पैदा हो गया और आप प्रैक्टिस करने लग गए, तो आपने मेहनत की, आपने कुर्बानियां दी, चैलेंजेस का सामना किया, तो कितने मुश्किलात का सामना हुआ आपकी इस फील्ड में और उन मुश्किलात को हल आपने कैसे किया? ज़रा व्यूवर्स को भी बता दें कि जब कोई चैलेंज आता है आपकी ज़िंदगी में तो उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आता है, बहुत चैलेंजेस है, मैंने इनका फेस किया, डट कर फेस किया, मैं डरा नहीं। अगर आप देखें कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब होता है तो उसको चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस होने चाहिए। बिल्कुल। फेस होने तो चैलेंजेस होने चाहिए, जब तक वो उस चैलेंज को फेस नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए अगर उसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं उसे खुश होना चाहिए और डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए, बजाय इसके कि डट कर छोड़ना चाहिए। अगर आप आजकल के हमारे माँ बाप को देखें कि जो बच्चा एक अच्छे रास्ते में जा रहा है तो उसे डीमोटिवेट करते हैं, जहाँ पे उसके रास्ते में चैलेंजेस, सिर्फ वालिदैन नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, उसके एनवायरनमेंट हो गया और उसके जो दोस्त हैं वो डीमोटिवेट करते हैं। जब उसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं वो एक चैलेंज को देख कर
डर जाता, वो कहता कि मैं पहले नहीं वो कर सकता, नहीं कर सकता, पहले वो कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, बाद में कहता मैं डॉक्टर मैं बनूंगा, डॉक्टर क्योंकि बनूंगा। इंजीनियर के फील्ड में वो जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस नहीं कर सकता, बिल्कुल घर वाले हो गए इधर उधर से उसे डिमोटिवेट करते हैं, तो बिल्कुल इसलिए वो उसकी जो हिम्मत होती है वो हार जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस आए मैंने फेस किया, क्योंकि इसलिए मैं आज इस मकाम पर हूँ। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस का फेस ना करता तो मुझे नहीं लगता था कि आज मैं इस मकाम पर हूँ। माशाल्लाह। और जिस तरीके से आपने चैलेंजेस के हवाले से बात की कि हमें डरना नहीं चाहिए चैलेंजेस से, जी बल्कि उन चैलेंजेस को डट कर हमें मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जी चैलेंजेस ही वो चीज़ है जो कि हमें सिखाती है और सिखाती है हमें एक्सपीरियंस कराती है और हमें समझाती है कि कामयाबी तक आपने कैसे पहुँचना है। जी इसी तरीके से जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनमें एक और मसला भी है। वो बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं लेते, शौक नहीं पैदा करते, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता, उनका जो है किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ से उनका जो है दिल नहीं करता। ज़्यादातर आप उनको ढूंढेंगे खेलने कूदने में, गेम्स खेलने में, और इन चीज़ों में आप उसको ज़्यादा जो है देखेंगे कि वो इंक्लूड है इन एक्टिविटीज़ में। वो प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उनकी सोशल लाइफ है, इन चीज़ों से वो दूर है और उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और एक बच्चा जिस तरह आपने अपना इंटरेस्ट बिल्ड किया अपनी फील्ड में और उस फील्ड को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो, तो इसी तरह वो बच्चे कैसे अपना जो इंटरेस्ट है उसको कैसे बिल्ड करें? देखिए, मेरी जो ओपिनियन है कि जो पहली जो गलती है वो माँ बाप की है, अच्छा कि उनके जो बच्चे हैं उनके स्टडीज़ की तरफ इंटरेस्ट क्यों नहीं होता, उनका फोकस तब कह स्टडीज़ रहे हैं के माँ बाप को चाहिए उनका फोकस बिल्ड करें। फोकस बिल्ड करें, क्योंकि आजकल के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, वो गेम खेलते हैं, अपना जो सारा वक्त होता है वो गेम में ज़ाया करते हैं, तो ये गलती माँ बाप की है। जब वो स्कूल जाता है, जब स्टडीज़ का टाइम होता है, उसका फोकस इधर उधर जा रहा है, वो सोच रहा बिल्कुल होता है कि मैंने आज गेम में क्या गलत किया, उसके दिमाग में वो चल रहा होता है, बिल्कुल तो ये माँ बाप की गलती। देखें, आपकी जो गलती है, मिसाल के तौर पर आपका स्टडीज़ में दिल नहीं लगता, तो ये आपकी कमज़ोरी है, डिटर्मिनेशन, बिल्कुल अपना इरादा बनाओ कि यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। बिल्कुल जब आप ये के आई कैन इरादा एंड आई विल यस आई कैन एंड आई विल, जब आप इरादा करते हो तो आप इस पूरी दुनिया को अपने एक हाथ में रख सकते हो, बिल्कुल तो इसलिए अपना जो इरादा है उसको बिल्ड करो, कि मिसाल के तौर पर ये किताब है आप नहीं पढ़ सकते, आप थक जाते हो, कहो कि मैं कर सकता हूँ, तो इस तरह आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है और उसके बाद आपका जो फोकस है वो भी बिल्ड होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, मैं कुछ आपकी हॉबीज़ के हवाले से आपसे जी सवाल पूछना चाहूँगा। किताब पढ़ने में आपका दिल लगता है, जी कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना मुझे अच्छी किताब लगती पढ़ना हैं? बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह कि मुझे इकबाल पुरस्रार होगी, उम बिइज़्निल्लाह होगी, इस तरह की मुख्तलिफ किताब पढ़ने अच्छी लगती हैं, किताब क्योंकि पढ़ना आपको अच्छा लगता है? क्योंकि किताब के बीच में से इंफॉर्मेशन मिलती है, मिसाल के तौर पर कोई सवाल पूछे इंफॉर्मेशन होती है, उसे जवाब दे सकते हैं, लेकिन तो माशाल्लाह आजकल जो वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी है, वो पूरी दुनिया में फैल चुकी बिल्कुल है, और वही इल्म जो कि हम किताब से हासिल करते थे, बिल्कुल किताब पढ़ना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए और भी आसान हो गई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, गूगल के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से। इन चीज़ों को भले ही बच्चे जो है कार्टून्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को कार्टून से हट कर एक प्रोडक्टिव मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता बिल्कुल है, बिल्कुल जिसमें बच्चे अपना होमवर्क कर सकते हैं, जिसमें बच्चे जो है अपनी जो मैथमेटिक इक्वेशंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी पीरियोडिक टेबल्स को उसमें सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं बच्चों के लिए, वो उसमें सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कंप्यूटर एक्सपर्टीज क्यों बिल्ड करना ज़रूरी है? इसलिए बिल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि लैपटॉप ही आपका एक तरह का टीचर है, इंटरनेट ही बिल्कुल आप एक तरह का आपका टीचर है, बिल्कुल क्योंकि मिसाल के तौर पर अभी आपका एक लेक्चर है, आपको उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लैपटॉप में जाते हैं, टाइपिंग करते हैं जल्दी से, और लैपटॉप आपको इन्फॉर्मेशन देता है वेरी इजी हर हवाले से। अगर आजकल के जो बच्चे हैं वो कार्टून छोड़ना शुरू कर दें और अपना उनका जो मकसद है उसके हवाले से उस पे फोकस करना उसके शुरू ऊपर करें। फोकस हो जाए, और जिस चीज़ के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है लैपटॉप में सर्च करें, उनके लिए ये बहुत आसान हो जाती है टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी स्पोर्ट्स में तो आपका फेवरेट क्रिकेट है, जी इंटरेस्ट भी आपको उसमें, क्रिकेट के अलावा कुछ और खेलते हैं? जी मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, इस तरह के मुख्तलिफ गेम मैं खेलता हूँ। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ इलम भी हासिल कर जी रहे हैं बिल्कुल और इलम पे भी फोकस कर रहे हैं, जी, माशाल्लाह। अच्छा, आपका फेवरेट कलर क्या है मेरा फेवरेट कलर ग्रीन और वाइट है। और हॉबीज में कौन कौन सी चीजें करना आपको पसंद है फ्री हॉबीज टाइम में जब आप होते हो? फ्री टाइम में कभी कभी मुझे टीवी पे जो जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब किसी चीज़ के हवाले से डिबेट होगी, जी किसी चीज़ किसी बंदे की स्पीच होगी कि बिल्कुल अपने ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हो, फ्री टाइम में मुझे वो देखना अच्छा लगता है, खेलना भी अच्छा लगता है, स्विमिंग भी अच्छी लगती बिल्कुल माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
फिटनेस के लिए, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी तो फिर आप एक्टिवली बल्कि प्रोएक्टिवली आप हर एक फील्ड में जो है बिल्कुल अपने इंटरेस्ट पैदा करके उसको आगे बढ़ा सकते हो। बिल्कुल तो इस फिटनेस के बारे में, क्योंकि आप जाहिर बात है आप जो हैं सुपर किड्स के फिटनेस कोच भी हो, तो जी। आप ज़रा हमें ये बताएं कि फिटनेस बच्चों के लिए ज़्यादातर क्यों ज़रूरी है? देखिए, बच्चों के लिए फिटनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वो फिटनेस करते हैं वो फिट रहते हैं और उनका जो दिमाग होता है वो एक्टिव रहता है, वो हर तेज रहता है। तेज़ रहता है, हर काम में एक्टिव रहते हैं। अगर आप हमारे आजकल के बच्चों को देखें, वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो बिल्कुल, बर्गर शर्गर ये चीज़ें खाते हैं इसलिए वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वो फिट नहीं। वो खाए बर्गर भी खाए सब कुछ खाए, लेकिन लेकिन उसके साथ लेकिन साथ हेल्थ भी मेंटेन रहते हैं। बिल्कुल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके जिस्म के जितने रगें वो खुलने शुरू हो जाते हैं और आप अच्छा, हर काम में एक्टिव रहते हो। क्योंकि जब आप बड़े भी हो जाते हो तो आपका जिस्म फिट रहता है, आपको इतनी बीमारी नहीं लगती, तो एक्सरसाइज इसलिए करना इसलिए बच्चे के लिए करना ज़रूरी है। अच्छा एहसान, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जी जो 3 मंथ्स आपके गुजरे सुपर किड प्रोग्राम में, जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया आपने, आपकी जो स्किल्स हैं हर एक फील्ड को आपने टच करके उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ाया आपने अपने साथ, लेकिन उसके अलावा और कैसी ऐसी चीज़ें आपने सीखी हैं सुपर किड प्रोग्राम में जो कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं गली में जो कि खेल रहे होते हैं अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं उनसे डिफरेंट हो वो चीज़? देखिए, सुपर किड में मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी। सुपर किड में मैंने दो चीज़ें सीखी जो कि मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मदद की उसने। बहुत मदद की। ठीक, एक पैट्रियाट और दूसरा पावर ऑफ फेथ। कि अच्छा, जब पैट्रियाट के आप जब अपने मुल्क के लिए काम करते हो, बिल्कुल, जब आप मुल्क के लिए अपने मुल्क के लिए काम करते हो, आप मतलब खालिस नीयत से अपने मुल्क के लिए काम करते बिल्कुल, हो, आप जो भी मकसद जो होता है वो अपने मुल्क के लिए, आप हमेशा यही सोचते हो कि मैं जो भी काम करूँ अपने मुल्क के लिए काम करूँ, मेरा मुल्क ऊंचा जाए। और दूसरी जो चीज़ है पावर ऑफ फेथ, ईमान की ईमान ताकत। की ताकत। कि जब आपके अंदर ईमान की ताकत बिल्ड होना शुरू हो जाती है, आप झूठ नहीं बोलते, खुद ही की हिफाजत करते हो। कि आप जब दूध वाला दूध मिला रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं उसके बीच में पानी डाल दूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह बिल्कुल, देख रही है, कयामत वाले दिन उससे हिसाब किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पावर ऑफ फेथ है वो भी मैंने सीखी, तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी सुपर चलिए किड में। माशाल्लाह। एट लास्ट आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की जो यूथ है और स्पेसिफिकली वो बच्चे जो कि आपकी तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी तालीम पे भी फोकस करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे मेरा आप? उनको यही मैसेज है कि अपने ज़िंदगी में एक मकसद सेलेक्ट करो, एक गोल सेलेक्ट बिल्कुल, करो और उसके ऊपर फोकस हो जाओ। जैसे कैनन कैमरा एक चीज़ फोकस करता है, बाकी साइड की सब चीज़ें ब्लर हो जाती है। मेहनत ज़्यादा करो, कुर्बानी देनी है, क्योंकि जब तक तो आप कुर्बानी नहीं देते उस वक्त आपको सिला नहीं मिलता। मेहनत करते रहो, काम करते रहो, अल्लाह ताला आपको इसका रिवार्ड ज़रूर देगा इंशाल्लाह, और ज़रूर मिलेगा। और जब भी काम करना है इस पाकिस्तान के लिए करना है, इस पाक सर ज़मीन के लिए करना है, क्योंकि जब आप इस पाक सर ज़मीन के लिए काम करोगे ये आपको अपने साथ उठा के आगे रवाना करेगी। तो इसलिए जो भी काम करना है हमेशा इस पाक सर ज़मीन के लिए करना है। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर एहसान। थैंक आखिर में मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए ये एहसान बच्चा जो है इसने 5 साल की उम्र से मेहनत शुरू की, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इस बच्चे ने हार नहीं मानी बल्कि हर मुश्किल का डट कर सामना किया और उस मुश्किल से सीखा, उन चैलेंजेस से सीखा और अपने आप को इम्प्रूव करके अपने किरदार और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके और तालीम की फील्ड को पकड़ के आगे जो है रवाना हुआ और अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह एहसान को अपने मकासद में कामयाबी दे, अल्लाह हम आमीन सबको अपने जो मकासद हैं उन सब में हमें कामयाबी दे। बहुत आमीन बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अल्लाह हाफिज़।